नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हवा कुछ कहे समझो मेरी सदाए है तेरे साथ में, जो घना हो फिजा में अंधेरा लाएंगे हम सवेरे तेरे लिए, ले चले यादों के ये काफिले, जाएंगे हम जहां ये जमीन आसमान मिले। My brother Nikhil and the sea were inseparable. माँ हमेशा डरा करती थी, मगर डैड कहते थे वो लड़का है, जाने दो उसे। डॉल्फिन्स होती है ना, वैसा ही था, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। माम, मेरी माँ अनीता रोजारियो कपूर, अपने पोर्चुगीज कनेक्शन पे बहुत गर्व है। पता है, लोग इन्हें मेरी बड़ी बहन समझ लेते थे। आप माँ से बातें करिए ना, मैं एक मिनट में आई, मुझे बहुत भूख लगी है। बचपन से ही ऐसी है, कभी खाना ऑफर करो तो हमेशा नो, और फिर फ्रिज से जाकर ढूंढ कर बच्चा कुचा निकाल कर हमेशा खाती है। ये निखिल का कमरा था। यहाँ की हर चीज उसी की हुई है। सिर्फ 8 साल का था जब ये पेंटिंग बनाई थी उसने। किसी को कुछ छूने भी नहीं देता था, ये सिर्फ उसकी जगह थी। My little boy. मेरे हस्बैंड नवीन को लिटिल बॉय कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। पहली बार जब उसकी पॉटी साफ की तो पूछिए मत मेरा हाल क्या हुआ। उस दिन अनीता बाहर थी, मुझे करना ही पड़ा। फिर मैं भी एक्सपर्ट बन गया। आई वॉज इवन बेटर देन माई वाइफ। मैं भी स्पोर्ट्समैन था, पर सब छोड़ के डैड का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा।
वी आर एन एंटीक फर्नीचर स्टोर। निखिल पे ऐसी कोई बंदिश मैंने नहीं डाली। कम ऑन, डैड अब बुलाओ ना उसे। हाउ वाज दैट? वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल। अब चलो निकलो। वंस मोर। अब शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है। ओके ओके, कमिंग। समझ में नहीं आता गलती हुई कहां। इतने अच्छे संस्कार थे उसमें। He was polite, disciplined, and well behaved. हम सबको बड़ा फक्र था उसपे। Listen, I have to leave now. आशीष को प्ले स्कूल से पिक करना है। मैं आपसे बाद में ही मिलती हूँ। Call me when you're through. Bye, Dad. Okay, Mama, मैं कल आऊँगी। Bye, baby. Bye. And Mom, कल मेरे लिए बटरस्कॉच केक बनाओ। बड़ी बहादुर है मेरी बेटी। And pretty, isn't she? अब पता चला कितनी स्ट्रांग है। पहले तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान उसके भाई पर ही था। Attention, everybody! This is for my pretty wife and your wonderful mother. Wonderful तो है, लेकिन आज ओकेजन क्या डैड? ओकेजन? हाँ। बेटा कुछ बातों के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक ब्यूटीफुल लेडी को बताना है कि वो मेरे लिए कितनी स्पेशल है। That's all. मम, आज रात दिन में ही शुरू हो गए। अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है? Stop it, will you? बताओ ना। खैर छोड़ो, बताता हूँ। माई ब्यूटिफुल वाइफ has given me this very handsome son. Oh, dad. से आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से स्कॉलरशिप दी गई है। अरे तुम अकेले बिना बताए यहाँ चली आई? I'm so proud of you. Big deal. तुम्हें भी तो बीएड में यूजीसी ग्रांट मिला था। अब चलो, अंकल गोम्स और आंटी आर हियर फॉर डिनर और मैं उन बुड्ढों के साथ सीरियसली बहुत बोर हो रहा हूँ। कम 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 कम, लेट्स गो। तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट ओनली? मैं यहीं वेट करता हूँ तुम्हारे साथ। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगी? कोई बात नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। मुझे थोड़ी देर अकेला नहीं छोड़ सकते? नहीं, नहीं छोड़ सकता। हमेशा तुम्हारी मनमानी चलेगी। अब हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। बहुत गलत बात है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। वेरी बैड। वी टॉक टू डैड एंड मॉम। पास ऑफ। अनु अनु, मैं बताना ही भूल गया, आज सैम मिला था। तुम जाते हो या नहीं? नहीं, उसके स्कूल में एक नई टीचर आई है। एनीवे फॉरगेट इट, तुम सुनना ही नहीं चाहती हो, मैं फजूल में पकपक कर रहा हूँ। वैसे भी काफी बूढ़ा सा है। इतना भी बूढ़ा नहीं है। नो आई मीन ओल्ड फैशन, यू नो, एंड सो बोरिंग, यू नो व्हाट आई मीन। और उसके जो चश्मे हैं, गॉड ही नीड्स न्यू स्पेक्स। इंटेलिजेंट लगता है, अनलाइक योर फ्रेंड्स। हां, इंटेलिजेंट एंड ऑल। इंटरेस्टेड? मैं क्यों इंटरेस्टेड होने लगी? वही तो मैं भी सोचा था। Why would you be interested in parting with us? Parting? Where? केरले, तुम्हें नहीं बताया? Very strange. नहीं, क्या? ये कि सैम और वो नई टीचर and a whole lot of us are getting together at Jeffrey's. पर तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो फिर forget it. No, 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 no. Who said I'm not interested? In Sam or the parting? वो इंटेलिजेंट मैन। तुम फिर से शुरू मत हो जाना। लेकिन इतना कॉन्शियस हो जाएगा तुम्हें मिलके। चलो। हे सैम। हाय मैन। हे निखिल। यू मेट माय सिस्टर अनु।
Hi. Hello. Once briefly. Yes. Ah, a brief encounter indeed. Bhai wah, ek baar mein chha gaya dost. Kya? Dekh bhai, वैसे ये आइडिया मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, पर अब जो है सो है। Just get lost, Mickey. जा रहा हूँ. I know you want to spend a long time with him. Okay, guys, I'll see you later, okay? तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा कि चले जा। वैसे भी he's very boring, हाँ? हाँ, उसके बारे में पता कर लेना। Bye. Hey, get a drink on me. See you, brother. See you. Hey, Christine, howdy. I'm fine. How are you? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो पूल में होना चाहिए। हाँ? क्या करूँ, पूरे गोवा में मेरे मुकाबले का कोई रहा ही नहीं। Guys, both of you, stop it now. जब भी मिलते हो बस शुरू हो जाते हो। Where's Anamika? In the land of Cupid. Cupid? She's in love. Kelly, see how cute they look together. So, तुम्हारे वो भाई क्या कह रहा था? वो पागल है। बिना सोचे समझे बकता रहता है। वो तो मुझे भी पता है। But for a change, वो थोड़ी समझदारी की बात कर रहा था। मुस्कुराए जब हवा कुछ कहे, समझो मेरी सदाए है तेरे साथ में, जो घना हो फिजा में अंधेरा, लाएंगे हम सवेरे तेरे लिए, ले चले यादों के ये काफिले, जाएंगे हम जहां ये जमीन आसमान मिले, नर्म बूंदों की रिमझिम पहली बारिश के दिन, दोपहर गर्मियों की शामें वो सर्द सी, रुत कोई कोई मौसम कोई घड़ी, साथ में हमको हर दम तुम पाओगे, ले चले ले चले। हम दोनों सब कुछ एक साथ किया करते थे, पहली बार वाइन दोनों ने साथ ही ट्राई की, सिगरेट का पहला पफ भी। खास खास के दोनों का बुरा हाल हो गया था। तो जीत रहे थे, अचानक क्या हो गया? आई थिंक तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। नहीं डैड, पता नहीं क्या हुआ, देखना चाह रहा था मेरे पास कोई है या नहीं, आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, उसी में सब गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं कहता हूं ये पार्टी वार्टी कम करो। डैड, मैं पिछले 10 दिनों से कहीं पर नहीं गया हूं। अब बस भी करो, डोंट हैरेस माय लिटिल बॉय एनीमोर। माय लिटिल बॉय,
you're making a sissy out of him. Oh, Dad, now let it be. Jo hua so hua. Hey, Sam, Nikhil, let's go for a walk. Oh, yes, I need it. I hope you're not going out with your good-for-nothing friends. Naveen, please, usse jaane bhi do ab. It's your future. Tomorrow you had better Naveen, beat enough. Kelly. Enough. Bye, good night. Good night. Enjoy yourself. God, you never ever stop. Do you want some more of that cake? God, old man toh mere peeche hi pad gaya. Nervous hai tumhare liye. You should understand. I know. Lekin unhe bhi toh samajhna chahiye na. तुम भी तो इतनी सी बात नहीं समझते कि बहस करने की जरूरत ही नहीं है. तुम इस कान से डालो, उस कान से निकाल दो. Yeah, easier said than done. Hey guys. Hi, handsome. Anu, you're looking gorgeous. Now, if only you were older. Curse my luck. चले? चल. Hey Nigel, बाइक ठीक से चलाना. No racing, okay? अगर निखिल को कुछ हो गया तो डैड मुझे टू बी से नॉट टू बी कर देंगे, right? Yes. See you guys. पता है तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है. अच्छा? Imagine, अगर डैड मुझसे इतना obsessed होते जितने वो निखिल से हैं, तो तुम क्या करते? क्या करते? मर जाते. वैसे उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? मेरी भी किस्मत अच्छी है. मेरे बाद quickly निखिल पैदा हो गया. Lucky me. Come, let's go. वैसे तुम्हारे भाई ने एक काम तो सही किया. तुम्हें हमारे यहाँ अजीब नहीं लगता? हम सबका हर वक्त लड़ते रहना, चीखते चिल्लाते रहना. तुम्हारे यहाँ तो सब इतने शांत से हैं. अच्छा लगता है मुझे. So full of life. Okay. Enough about family. Now, let's talk about... You and me? अपने बारे में? तुम लोग कहाँ गए थे? क्या सोच रहे हो? Expectations. कभी-कभी ज़्यादा expectations होना काफी भारी पड़ता है. ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं कल भी हार गया तो क्या? और भी तो चैंपियनशिप्स है. मगर मुझे लगता है कल तुम ही जीतोगे. यस. कभी कभी बड़ी इरिटेशन होती है अनु. एज इफ डैड इज ट्राइंग टू लिव हिज लाइफ थ्रू मी. आई हैव नो से इन एनीथिंग. मेरी भी अपनी लाइफ है, अपने प्लान्स हैं. बट नो. क्या प्लान्स हैं? तुम स्विमिंग उनकी वजह से करते हो, खुद करना नहीं चाहते. वो बात नहीं अनु. तो फिर क्या बात है निखिल? टेल मी. फिर कभी बताऊंगा. क्या बात है, रात भर सोया नहीं क्या? Honestly speaking, I think you should beat me this year and make it to the nationals. Otherwise, uncle will get really disappointed with you. तुझे अंकल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है. Relax, man. I'm just joking. Just being yourself, huh? Being a jerk. Hey, man. Take it easy. Be a sport. I'm sure एक ना एक दिन तू मुझे हरा पाएगा. Someday. That'll be today. Watch out. Oh, I'm so scared. चल आज अगर तूने मुझे हरा दिया, I'll personally throw a party for you. Oh, I completely forgot. Tomorrow night I'm having a party at home. तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो. To celebrate my winning. We'll be right back.
Cheer up. आज तुमने पूरी कोशिश की एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. पता नहीं क्या हुआ डैड, पूरी तरह फोकस था. अच्छा सुनो. कोई बात नहीं. Forget it. The next time, we'll thrash him. Now give me a, huh? अब जाओ, कपड़े पहन लो. मेडल लेने जाओगे तो keep your head held up high. और मुस्कुरा के जाना, हाँ? Huh? Okay? Thank you, Dad. Attention, ladies and gentlemen. I'm extremely sorry to announce, timing error की वजह से आज के रिजल्ट में कुछ फेरबदल हुए हैं. Kelly Menzies has clocked second. और हमारे नए स्टेट ओवरऑल स्विंग चैंपियन हैं निखिल ये मेरी भी जीत थी, मेरा सपना जिसे मेरे चैंपियन ने पूरा किया. निखिल पोडियम पे खड़ा था, उसे वहां देख के उस रात हमारे यहां कोई नहीं सोया. So, beta, what brings you back to Goa? अंकल मैं अपना स्टोर खोलना चाहती हूँ यहाँ गोवा में, इन पैंजम. और वैसे भी आई वॉज मिसिंग होम एंड ऑल ऑफ यू. हाउ टाइम फ्लाइज. लगता है कल ही तुम इतनी सी थी और अब इतनी बड़ी हो गई हो. अनु सैम कहाँ है? हमेशा लेट आता है. उसकी कोचिंग क्लासेस है. ओह हाँ, सैम के लिए तो तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है. तुम्हारी तरह लोफर नहीं है. ही इज अ बिजी मैन. I have to go and fetch him in 10 minutes. Oh, really? Yes. Or Nigel, usse bhi to aana tha. Mom, usse panjim jana pad gaya. Aata hi hoga. And you always seem to have an excuse for him. Nikhil, tum Leena ko apne trophies kyun nahi ja kar dikhate? So, how have you been? I've been great. Waisa hi ho jaisa pehle tha. Just a little more handsome, charming and witty. And as modest as ever. Tum bilkul nahi badle. Acha batao, famous hona kaisa lagta hai? सच बताऊं बहुत बुरा, लेकिन अब जब किस्मत में लिखा था, what could I do? Very fun. अच्छा तुम बताओ, how was New York? New York was good. Good or very good? Any hot boyfriends? नहीं. नहीं? क्यों? दिखती तो ठीक ठाक हो, height भी अच्छी है. क्या करती? तुम्हें जो भूल नहीं पाई. याद है कैरल्स पार्टी है जेफरीज? वो तो बचपना था लीना, यू नो चाइल्डिश स्टफ लाइक दैट. मेरे लिए नहीं, पता है बहुत मिस किया तुम्हें मैंने. लीना, I'm so sorry. सैम, नाइजल, लंच तीनों इंतजार कर रहे हैं. तुम जब मिल वक्त मिले तुम आ जाना. I'm really surprised कि तुम्हारे डैड ने मुझे आज लंच पे कैसे बुला लिया. मी टू. हां, आई थिंक वो आज अच्छे मूड में थे. क्यों ना हो भाई, आखिर डैड को अपने हैपनिंग बेटे के लिए एक हैपनिंग दुल्हन मिल गई है. व्हाट नॉनसेंस. वैसे सारा दिन वो तुझे जैसे देख रही थी. आई मीन जस्ट शट अप. ओके कम ऑन, डोंट टेल मी वो तुम्हें पसंद नहीं थी. अब हर लड़की मुझ पे फिदा होने लगे, उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम जैसा मॉडर्न इंसान मैंने कभी नहीं देखा.
Let him be. Dad और अंकल ने काफी साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों की शादी कर देंगे. Ah, childhood sweethearts का मिलन. How touching. Touching my foot. मैंने कहा ना मुझे शादी वादी नहीं करनी है. हम कुछ और बात कर सकते हैं या मैं जाऊं? लेकिन वो तो तुम्हारे एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने की बात कर रहे हैं. मेरे एंगेजमेंट? बिना मुझसे पूछे? इसमें पूछने की क्या बात है? तुम्हें तो वो पसंद है ना? मैंने कहा ना मुझे वो पसंद नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इज दैट क्लियर? नो 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 नो. तो फिर जो मैंने देखा वो क्या था? अनुडोन. अरे बताओ तो क्या देखा? क्यों? Why shouldn't I? Tell me, was that kiss with the miss an accident? Or did I imagine it all? Huh? वो लेट लतीफ अभी भी सो रहा है क्या? Didn't you like Lena? She's nice. Hello. Morning. Morning, Dad. Here. Not my hair. अरे ये क्या हुआ है? क्या? ये चेहरे पे क्या हुआ है? बाइक से गिर गया था. मैंने पहले भी कहा है ना ये बाइक बाइक का चक्कर छोड़ो. उफ, वो अब सुबह सुबह अपने डिस्कशन मत शुरू करो फिर से. जस्ट गिव हिम सम बटर टोस्ट. जस्ट जूस नो टी. सो लीना के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं. उसके बारे में क्या सोचना है? आई थिंक शी इज ग्रोन अप टू बी अ फाइन एंड इंटेलिजेंट यंग वुमन. बड़ों की कितनी इज्जत करती है. Good for parents. तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे. You looking so cute together. Didn't they make a lovely pair? Mom, please. हम कुछ और बात कर सकते हैं? क्यों? शर्माने की क्या बात है? You are well settled now. तुम्हारी उम्र में मैं तुम दोनों का बाप बन गया था. आप लोग निखिल की शादी डिस्कस कीजिए. मुझे देर हो रही है. I have to go to school. Teachers can't be late. Unlike your bank. ये लो. घबराओ मत. शुरू शुरू में शादी का नाम सुनकर सब घबरा जाते हैं. But you'll be very happy. ना मुझे शादी की जल्दी और ना ही बाप बनने की. क्यों? कुछ प्रॉब्लम है? निखिल, तुम्हारी टीम के डॉक्टर का फोन है. कभी किसी बीमारी की वजह से तुम्हें खून लेने की जरूरत पड़ी है? नहीं डॉक्टर, ब्लड तो मैं खुद ही डोनेट करता हूँ साल में दो बार. बट वाई? एनी अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस? आई मीन प्रोस्टिट्यूट्स? व्हाट्स रॉन्ग डॉक्टर, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखो तुम मुझे जो भी बताओगे मुझ तक ही रहेगा. तुम फ्रीली बात कर सकते हो निखिल, ठीक से सोचो. नो डॉक्टर, एक्चुअली एक आध बार वो भी जिन्हें मैं जानता था, यू नो गर्लफ्रेंड्स. पर प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है. टेल मी समथिंग निखिल, रिसेंटली तुम्हें जो फूड पॉइजनिंग हुई थी उसके बाद वर यू गिवन एनी इंट्रावेनस मेडिसिंस? निखिल, क्या हुआ? कुछ नहीं. तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मना कर दो. मैं हूं तुम्हारे साथ. बी फर्म. कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है. क्या बात है निखिल? Love you a lot, princess. Love you too, bhai. Sab theek ho jayega. Are you okay?
निखिल, तुम्हारे पिछले 6 महीने काफी हेक्टिक रहे हैं। आई थिंक तुम्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक? ब्रेक क्यों सर? क्योंकि नए टैलेंट को भी चांस मिलना चाहिए। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं यहाँ पिछले 10 सालों से हूँ। एंड प्लस आई एम इन गुड फॉर्म सर। आई मीन हाउ कैन यू। निखिल मैं जानता हूँ तुम फॉर्म में हो, लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है। प्लीज निखिल, समझने की कोशिश करो। तो शाम तुम कलकत्ते कब जा रहे हो? स्टोर पे शायद ना जाऊं। क्यों? कोच कह रहे थे कि नए टैलेंट को भी चांस मिलना चाहिए। What nonsense! नए टैलेंट के लिए तुम्हें कैसे हटा सकते हैं? It's okay, Dad. मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पिछले 3 हफ्तों से तुम आराम ही तो कर रहे हो, हम? Dad, इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। I think तुम खुद नहीं जाना चाहते। तुम्हारे आवारा दोस्तों का इन्फ्लुएंस बोल रहा है। And after all the hard work I've put in for you, आपसे किसी ने कहा तो नहीं था ना? Don't you dare speak to me like that. For you. यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस यूं ही। क्यों? आज हैंसम, विटी, चार्मिंग मिस्टर कपूर को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। अच्छा, हम भी तो सुने। मॉम डैड हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे एंगेजमेंट के बारे में। अब तो बारिश के बाद ही कुछ हो सकता है। मैं चाहती हूँ फंक्शन आउटडोर्स हो। तुम क्या सोचते हो? निखिल, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? लीना, बचपन की बात और थी। थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। You don't love me. Lena, I like you very much. कोई और है? Lena, I'm sorry. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह। Just please leave me alone. Please. I think we should have the engagement by next month. Hmm? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है they should just get married. आप लोग उसे force क्यों कर रहे हैं? Let Nikhil take his own time. Think of the devil. Lena कहाँ है? उसे घर जाना था. घर जाना था? Yeah. लेकिन उसे तो हमारे साथ डिनर खाना था. I don't know. Nikhil, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुमने अपना टूर कैंसिल किया और अब ये? Dad, इस बारे में हम कल बात करें। मुझे जवाब अभी चाहिए, इसी वक्त। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? डैड, अगर उसे शादी नहीं करनी तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं निखिल से बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, लीना तो इतनी स्वीट लड़की है। मॉम, मैंने कब कहा कि वो स्वीट नहीं है? But I just don't want to get married. कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अजीब तरह से बिहेव करने लगे हो। कहीं ड्रग्स वग्स का चक्कर तो नहीं? Dad, please. Stop lecturing me all the time.
निखिल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा अंदर चलो। मुझे कोई बात नहीं करनी अनु, रोज़रोज़ के दानों से दुखी हो गया हूं मैं। निखिल प्लीज बिहेव योरसेल्फ, डैड के साथ ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चा नहीं रहा हूं। प्लीज स्टॉप शाउटिंग। बहुत कुछ उसकी ये डायरी से मुझे पता चला। उसने उसी वक्त लिखना शुरू किया था। एक्चुअली आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एट हाउ ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ। इसे पढ़कर मुझे समझ आया कि उस रात उसने डैड के साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। बात कुछ और थी। There's something terribly wrong with me, Anu. डॉक्टर मुखर्जी कह रहे थे मेरे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियरली नहीं पता उसने स्विम करने गया था, मुझे देखते ही सारे लोग पूल से बाहर निकल गए। टीम से भी निकाल दिया गया हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ब्लड में प्रॉब्लम है? आई एम श्योर देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर मुखर्जी ने क्या कहा? मुझे कोई कुछ क्लियरली नहीं बता रहा अनु, डर बहुत लग रहा है। फील स्कैर्ड। नो नो, हर सैटरडे की तरह हम उस दिन भी क्लब गए लंच के लिए। एवरीथिंग सीम्ड परफेक्टली नॉर्मल। सलीम, फिर वेटर ने आके मुझे चले जाने को कहा। हमारे अलावा सबको यह खबर थी कि निखिल को एड्स है। वही क्लब जहां मैं सर उठा के जाया करता था, वहीं से मुझे चले जाने को कहा गया। तो पैदा हुआ था, अपनी माँ को करीब करीब मार दिया था, अब क्या हम सबको मारना चाहते हैं? ये शर्म, अब तेरी वजह से हम किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकते। छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज, ऐसा मत बोलिए, वो आपका बेटा है। बेटा बेटा था, अब नहीं। उसके चेहरे से खून बह रहा था, फिर भी मैंने उसे मारा और घर से निकाल दिया। मॉम, यू वर बॉर्न प्रेमैच्योरली, आई जस्ट विश यू हैड एटलीस्ट आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो मेरे पास खड़ा था, बेबस मजबूर, और मैंने खुद उसे मैंने अपनी जान से ऐसे कैसे कह दिया। I killed him myself. I killed him that day myself. उसकी अपनी माँ ने उसे मार डाला। मैं यहां बैठी उसे जाते देखती रही, कभी फिर इस दरवाजे से चलकर वापस नहीं आया। Hey, what happened? You're bleeding. Nikhil, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी होंठ पे एक बड़ा सा, रुक, मैं डेटॉल लेके आता हूँ। हेलो, हाँ सैम, हाय। हाँ वो यही है। What happened, man? Oh,
तुम यहां आना चाहते हो? सैम, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। तुम अनु से कहना कि वो परेशान ना होए, ओके? हाँ, कल मिलके बात करते हैं, ओके, बाय। सॉरी, जल रहा है? क्या हुआ? तुमने उन्हें कुछ बताया? फिर बहुत चीजें। फॉरगेट इट। तुम थोड़ा आराम कर लो, कल बात करते हैं, ओके? कम ऑन निखिल, गेट अप, निखिल उठ। टाइम क्या हुआ? इट्स 11 o'clock, कम ऑन, गेट अप। मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ, तुम चाय पी लो, इट्स हॉट। थैंक्स। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बातें तो मुझे भी करनी है, पहले मेडिसिन ले आऊँ, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं, ओके? ओके। सी यू। निखिल, क्या प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर? क्या है ये चोट वोट कहां लगी? गिर गया था। ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ना? मुझे यहां क्यों लाया गया? हाथ पीछे रख। मुझे यहां क्यों बुलाया गया? सुना है स्टेट स्विमिंग चैंपियन रहा है तू? तब तो खूब लड़कियां मिली होंगी तुझे। हमें उन सब लड़कियों की लिस्ट चाहिए जिनके साथ तूने ऐश की है। Excuse me? मैं जरा एक फोन करना चाहता हूँ। नहीं, तेरे को बोला ना, हाथ पात मत लगा किसी चीज को। एंथनी, हॉस्पिटल लेके जा इसे। चल जाके अपना मेडिकल चेकअप करवा, चल जा। देखिए, उसके जाने के बाद हमने सारा कमरा बाकायदा डिटोल से धुलवाया था। अब ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि कोई अपनी जान जोखिम में डाल दे, केयरफुल रहना भी जरूरी था। अब उसकी गलती की सजा हम क्यों भुगतें? जब उसके खुद के बाप ने उसे घर से निकाल दिया तो भला हम क्या करते? चार चार कांस्टेबल भेजे थे उसके साथ, चल बैठ, कहीं भाग ही ना जाए। आजकल के लड़के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, आपको क्या लगता है डॉक्टर? क्या पता, ये बड़े लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। केयरफुल, ग्लव्स पहन के हाथ लगाना। मुझे लगता है इसे जल्दी से बॉम्बे भेज देना चाहिए। इसकी वजह से हम भी मरे क्या? सर, इसे जल्दी भेज दीजिए, सारे पेशेंट्स डरे हुए हैं। ये बीमारी पहले कभी गोवा में तो नहीं थी। सुनिए, इसको यहाँ से ले जाइए और सैनिटोरियम में बंद करके रखिए। साथ मस्ती की, लड़का था या लड़की या दोनों? क्या जमाना आ गया, देखने में तो हेल्दी लगता है, एकदम नॉर्मल। तुमको तो गोली मार देनी चाहिए, खूब कर लेना मस्ती। अब सरकारी पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ, प्लीज एक फोन बूथ पे रुकेंगे, मुझे घर फोन करना है। क्यों, जब ऐश कर रहे थे तब घर वालों का ख्याल नहीं आया?
निखिल एचआईवी पॉजिटिव है। सैम और मैं उसे ढूंढ नहीं जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है तुम बॉम्बे जाकर अपना चेकअप करा लो। नाइजल, आई नो एंड आई लव यू। व्हाट वर माय फर्स्ट थॉट्स व्हेन आई फाउंड आउट? उसे खोने का डर, द फियर ऑफ लूजिंग the person I was closest to, my little brother. जब मैं उसकी ये डायरी पढ़ती हूँ, I can feel the humiliation he went through, and I feel very angry. ये लोग तुम्हें यहां इस तरह बंद करके नहीं रख सकते। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ तो बोलो नाइजल। मैं तो अभी भी कह रही हूं नाइजल को अपना चेकअप कराने के लिए बॉम्बे जाना चाहिए। जब तक वो यहां है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहां हम हैं ना, आज हम लॉयर से भी मिलने जा रहे हैं। सैम ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ब्लड टेस्ट के लिए मैंने तुम्हारी राय मांगी। मत बताओ कि मुझे क्या करना है, ओके? I think you need to talk. Sam, हम लोग बाहर हैं। I'm sorry. पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अनु ठीक कह रही है, तुम्हें भी ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। बहुत नाराज हो ना मुझसे। हाँ नाराज हूं मैं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई निखिल। छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ शक था। मुझे बता तो सकते थे, डरता था नाइजल, सच्चाई जानने से डर रहा था। जब सच्चाई सामने आई तुम्हें बताना चाह, लेकिन दे अरेस्टेड मी। नहीं
I'm sorry. चेकअप के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके आसपास के सभी लोगों को चेकअप करवाना पड़ा। मना भी नहीं कर सकते थे, सारा शहर जो हिस्टेरिकल हो रहा था, वो लोग समझते थे कि इट्स होमोसेक्सुअल डिजीज। मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए। आवर रिलेशनशिप हैड नथिंग टू डू विद द डिजीज, आई वाज नॉट एचआईवी पॉजिटिव। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उस पर ये धब्बा क्यों लगाना चाहते हैं? कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी उसकी, लीना के साथ शादी भी तय हो चुकी थी। He was a perfectly normal boy. Nature की अगेंस्ट, गॉड की अगेंस्ट, जाने से ऐसा ही होता है। He ruined Lina's life. आप सोच भी सकते हैं उस पे क्या बीती होगी। बेचारी गोवा छोड़ के चली गई। हम उसके अरेस्ट होने के 3 दिन बाद यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। गोवा में लोग मुझे घूर घूर के देखते थे। As if I was some dirty thing. गोवा में हमारे फैमिली का रहना मुश्किल हो गया था। गोवा पब्लिक हेल्थ एक्ट के हिसाब से किसी भी एचआईवी पेशेंट को सबसे अलग रखा जा सकता था, जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। शुरू हुई एक लॉयर की तलाश जो निखिल का केस लड़ने को तैयार हो। अजीब बात है, एक खूनी को भी आसानी से लॉयर मिल जाता है। इस केस में काफी पब्लिसिटी होगी, वांटेड एंड अनवांटेड। आप तैयार हैं उसके लिए? हम तैयार हैं, लेकिन कोई लॉयर तो मिले जो हमारा साथ दे। लोगों को पहले यह बताने की जरूरत है कि निखिल के साथ क्या हुआ है। हमें पब्लिक सिंपथी चाहिए। लेकिन यहाँ की प्रेस तो उसे एक पावर की तरह ट्रीट कर। इसलिए लोगों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन इस केस को लेने से पहले मैं निखिल से मिलना चाहती हूँ। वी ट्राइड अप्रोचिंग द गवर्नमेंट, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक चिट्ठी भेजते हैं, दूसरी भेजते हैं, तीसरी भेजते हैं, लेकिन दे जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड, as if वी डोंट मैटर। 2 हफ्तों से सड़ रहा हूं मैं यहां पर। I want to thank you for taking up my case. लेकिन एक रिक्वेस्ट थी, आप ये केस जरूर लीजिए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जो HIV पॉजिटिव है, जिन्हें खुशी से जीने का हक है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आई वॉज टेरिफाइड। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आने तक टेंस थी। यू नो, आई हैड किस्ड हिम। आई वॉज अफ्रेड। आई ग्रू अप लविंग हिम। वी वर कंसिडर्ड अ कपल। हाँ, हमारे घर आसपास थे और कभी कभी हम एक साथ स्कूल भी जाते थे, दैट्स ऑल। ही वॉज अ लिटिल स्ट्रेंज, यू नो। I wasn't really a part of his friend circle. Yes, we were in the same friend circle. पर तब बात कुछ और थी। He was not infected. लोग हमें avoid करने लगे। We became the tainted family. यही वो जगह है जहाँ हमने निखिल के आखिरी 2.5 साल गुजारे। वी सेट इट अप टुगेदर। वहाँ बैठकर हम अक्सर समुंदर देखा करते थे। हम मिले कैसे? मैं उसे हमेशा देखा करता था जेफरीज में। हर वक्त वो लड़कियों से घिरा रहता था। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि वो उनके साथ है तो सही, बट नॉट रियली इंटरेस्टेड। You know what I mean? You guys never turned up. What a waste of money. You always do that. English thing I do. Next time इसको बुलाएंगे नहीं। Can you pass me?
को। वाटर। लाइट। हाय, आई एम नाइजल। निखिल। या इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी में रिसर्च कर रहा हूँ। काफ़ी बार देखा है मैंने तुम्हें यहाँ पर। हाँ, मैंने भी। तुम काफ़ी पॉपुलर हो यहाँ पर। आई होप सो। गोवा के नहीं हो क्या? हूँ भी नहीं भी। मेरे पेरेंट्स दुबई में रहते हैं, लेकिन है ओरिजिनली गोवंस। जॉइन मी फॉर अ ड्रिंक। उसके डबल स्टैंडर्ड से मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। शायद वो अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। वैसे सही भी था, वो लोग समझ ही नहीं पाते, सिर्फ अनु। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ उन दोनों के बीच में थी, उनमें मैं भी शामिल नहीं थी। I used to feel a little jealous. मैं नाइजल को हमेशा चिढ़ाया करती थी कि मैं निखिल को उससे बेहतर और कहीं पहले से जानती हूँ। अनु हमेशा मुझसे लड़ती थी। हाँ, भाई को ये पसंद है, ये नहीं पसंद। You know, there was this space between both of them that me and Sam could never intrude in. एक नजर ही काफी थी एक दूसरे को समझने के लिए। He never liked me smoking. Excuse me. हम दोनों के बीच में कभी कभी टेंशन हुआ करती थी, स्पेशली लीना के टॉपिक पर। डर था कि कहीं वो सोशल प्रेशर में आकर। अनु, डोंट। क्यों? Why shouldn't I? Tell me, was that kiss with the miss an accident or did I imagine it all? Huh? चलो अनु, let's go now. Okay. See you, brother. Okay, see Bye, you. Lover boy. Bye. Bye, Ansu. Nigel, 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 मेरी बात सुनो. Listen to me. Nigel, it was a misunderstanding. ये एक इशू बन गया था। मुझे पता नहीं था कि कोच ने उसे टूर पे आने से मना कर दिया था। सम सूप, जूस और समथिंग। यमी। तुम शोर नहीं लोगे? ट्रेनिंग कैसी थी आज? गया नहीं। और टूर, टूर पे कब जा रहे हो तुम लोग? इतने बुरे मूड में क्यों? आंटी ने लीना को फिर से डिनर पे बुलाया क्या? अब बीच में लीना कहाँ से आ गई? वेल, शी किसेस ब्यूटीफुली। कहा ना वो जबरदस्ती। जबरदस्ती? कल तुम कहोगे कि उसने जबरदस्ती से मेरा रेप कर दिया। माय फ्रेंड, लाइफ में एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा दी। निखिल, दीज आर डबल स्टैंडर्ड। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। व्हाट इज दिस? डोंट डू दिस, कट दिस आउट। एंड डोंट यू थिंक गुस्सा मुझे आना चाहिए, तुम्हें नहीं? उसे बोल दिया मैंने। क्या? कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। घर पे तो पूरा सीन ही क्रिएट हो गया। ओ, इसलिए तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे? I'm sorry about that. एक बात बताओ, honestly,
व्हाट? क्या तुम मेरे अलावा भी किसी? व्हाट यू टॉकिंग अबाउट निखिल? कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ लिया। I'm sorry. जब मेरा ब्लड टेस्ट क्लियर आया, जान में जान आई। I was relieved. पहली बार जब हम उसे सैनिटोरियम में मिलने गए थे, तो मेरा दम घुट रहा था। आई मीन, दो साल से उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहा था। अनु वॉज शॉक्ड, बट शी पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। हम सब कल बॉम्बे जा रहे हैं। पर अंकल, बेटा अब हम यहां कैसे रह सकते हैं? आप लोग भाई को यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं? मैंने कहा हम सब। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनु, बेटा तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकती हो? मैं जो हूँ, डोंट वरी। सैम नहीं भी होता तब भी नहीं जाती। देखो अनु, अब यहाँ इस बेइज्जती की बात। वो यहाँ अकेले, निखिल को हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, और आपको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। हम सब कल बॉम्बे जाएंगे। And that's final. आप लोग अपने बेटे को इस हालत में छोड़ के जा सकते हैं, मगर मैं अपने भाई को अकेले हरगिज नहीं छोड़कर जाऊंगी। हम लोग जा रहे हैं बेटा, उसे बताना नहीं कि हम लोग चले गए। अपने भैया का ख्याल रखना, हाँ, और अपना भी। अनामिका फ्रॉम। हाय सूजन, तुम काम पर नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना? ओह, आई सी। थोड़े दिन के लिए यह दुकान बंद क्यों नहीं कर देती? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई काम पे आए या ना आए, मैं इस जगह को बंद नहीं करूंगी। तुम तो ठीक हो ना? और तुम्हारे पेरेंट्स? धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। सैम, मैं नहीं चाहती कि इस सब की वजह से तुम और तुम्हारे घर वालों के बीच कोई परेशानी हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अगर तुम चाहो तो, आई मीन, यू कैन मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यू सी, पीपल्स रिएक्शंस आर डिक्टेटेड बाय फियर एंड इग्नोरेंस। जो लोग एक समय में इनके दोस्त थे, उन्हीं लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। आज वो बहुत डिप्रेस था। वहाँ के डॉक्टर्स भी उसे एक अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हैं।
एक महीना होने वाला है, बात जरा भी आगे बढ़ी नहीं। क्या लगता है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुश्किलें तो आएंगी। इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमें पब्लिक सिंपैथी भी चाहिए, लोगों को ये बताने के लिए कि वो एक चैंपियन है, कोई क्रिमिनल नहीं। उसके साथ सिर्फ एक ट्रेजेडी हुई है। अगर कोई इमोशनल एंगल यूज करना पड़े तो करो। कल को आपके बेटे का कोई एक्सीडेंट हो जाए, एंड गॉड फॉरबिड ही गेट्स इन्फेक्टेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या एक न्यूबॉर्न बेबी को अपनी माँ से एचआईवी वायरस मिले, तो क्या आप उस बच्चे को सबसे अलग बंद रखेंगे? सवाल ये नहीं है कि किसी को कैसे ये बीमारी लगी होगी, सवाल ये है कि जैसे भी हो, क्या उस इंसान को इस तरह बंद करके रखा जा सकता है? तुम्हारा चेकअप हुआ आज? अनु आज नहीं आ पाएगी, उसे अंजलि के साथ किसी से मिलने जाना है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है। यही सुनते सुनते दो महीने बीत गए। अंजलि श्योर है निखिल की मिनिस्ट्री अपनी। प्लीज। मॉम डैड एक बार भी मिलने नहीं आए, कैसे हैं वो? आना तो चाह रहे थे लेकिन लेकिन आए नहीं। Got this for you. Thanks. Love and not fear is the only solution to this problem. आज एक है, कल एक लाख होंगे। क्या हम उन सब को अलग रख पाएंगे? According to Article 14, 19, 21 and 226, the Indian Constitution guarantees all Indians the fundamental right to live freely. This forced isolation is a violation of this right. वो सिर्फ HIV positive है, उसे सालों लग सकते हैं full blown AIDS होने के लिए। How can you keep him in confinement indefinitely? इस तस्वीर को देखिए, ये हमारा स्टेट स्विमिंग चैंपियन है। We all were so proud of him. इसने ऐसा क्या किया कि आप सबने उसका साथ छोड़ दिया? अकेले रहना ठीक नहीं होगा। हाँ अनु, तुम मेरे साथ शिफ्ट कर सकती हो। वैसे भी आजकल मैं भी काफी अकेला फील करता हूँ। ठीक है, वैसे भी अब यहाँ कुछ भी नहीं रह गया। बहुत बहादुर थी वो, डरी नहीं। हमारे एफर्ट्स जारी रहे। उसके स्कूल के प्रिंसिपल से हमें काफी सपोर्ट मिला। शहर में उनकी अच्छी इज्जत थी और धीरे धीरे लोग उनकी बात पर ध्यान देने लगे। और फिर 3 महीने बाद, 3 months, निखिल के रिलीज ऑर्डर्स आ गए।
We did it, Nikhil. Congratulations. Thank you. All the best. Come. Ab khush ho. Yes, thank you so much. Ek minute. Mom and Dad Bombay gaye hain. मासी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए जल्दी आ जाएंगे। कब गए वो? तुम्हारे यहाँ आने के 2 दिन बाद। Promise me something. क्या? उनसे यहाँ आने के लिए कभी request नहीं करना। नहीं करूँगी। और एक request है। और क्या? I want to see you married before. Nikhil, क्या कह रहे हो? ऐसा मत बोलो। आज तुम घर आए हो। Let's celebrate. Come on. Yeah. कुछ कहे। Oh come on. समझो मेरी सदाएं है तेरे साथ में जो घना हो फिजा में अंधेरा लाएंगे हम सवेरे तेरे लिए ले चले यादों के काफिले जाएंगे हम जहां मिले रोशनी के ये साए छूके जाए तुझे समझो मेरी सदाए है तेरे साथ में जो घना काम फिर से शुरू करना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम है निखिल, उन लोगों ने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है। व्हाट? मैं लीव पे था, दे कांट डू दिस। निखिल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं HIV पॉजिटिव हूँ, एड्स नहीं है मुझे अनु। मुझे पता है पर कुछ नहीं, दुखी हो गया मैं एक कमरे में रहकर।
घर से बाहर निकलने के लिए मुझे कोर्ट परमिशन चाहिए। यू कॉल दिस फ्रीडम? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। यू ऑल आर फ्री, आई एम नॉट। अंडरस्टैंड दैट? अनु, आई वॉन्ट टू फाइट दिस। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। यस भाई, हम फाइट करेंगे निखिल। आई एम सॉरी निखिल, क्या है कि हम लोग स्टाफ कम कर रहे हैं। आई मीन वी वोंट रिक्वायर योर सर्विसेज एनी लॉन्गर। सर आप जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, कॉम्पनसेशन के तौर पे तुम्हें 6 महीने की सैलरी दी जा रही है, इसके अलावा पीएफ और दूसरी बेनिफिट्स, वो अलग। सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप तुम भूल रहे हो निखिल कि अब तुम इस टीम में नहीं हो। तुम्हें ये नौकरी इसलिए दी गई थी क्योंकि तुम स्टेट स्विमिंग चैंपियन थे। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। मैं चाहूँ तो मैं अपर केस कर सकता हूँ। देखो निखिल, इतने अनरीजनेबल मत बनो। यहाँ कोई भी तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। सबके अपने अपने परिवार हैं, सब डरते हैं तुमसे। डरना तो मुझे आपसे चाहिए सर। आपको पता है, इसी वक्त ऑफिस के किसी भी स्टाफ से या फिर आपसे मुझे कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से मेरी जान जा सकती है। और आप लोग मुझसे डरते हैं। तुम चाहो तो हम केस कर सकते हैं, जीत भी जाएंगे। नहीं अंजलि। क्यों, क्या हुआ? क्या फायदा, जिस जगह पे लोग मुझे घूर घूर के देखते हो, मुझसे डरते हो, वहां पर काम करने से क्या फायदा? दे डोंट वांट मी देयर। तो फिर आई विल रिजाइन। रिजाइन? तुम तो काम करना चाहते थे, इतनी जल्दी हार मान जाओगे? कम ऑन। हार नहीं अंजलि, एक बहुत पुरानी इच्छा थी, उसे पूरा करने का मौका मिला है। म्यूजिक। गस्तन रुपेश ने कहा है कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करेंगे ताकि मैं स्कूल में म्यूजिक सिखा सकूं। और भी एक दो चीजें हैं व्हिच आई रियली वांट टू डू। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? आओ। कुछ नहीं, बस कल से तुम यहाँ। तो क्या मैं शादी नहीं करूँ? सारी उम्र कुंवारी रह जाऊँ? कम ऑन, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। जस्ट 10 मिनट्स ड्राइव। I'll really miss you. Especially your snoring. Idiot. मैं निकलता हूँ, निखिल और अनामिका को शॉपिंग पे ले जाना है। थैंक यू बेटा। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कितने बजे आएंगे? 5 बजे घर पे। ठीक है। ओके। Thank you.
कितनी अजीब बात है ना, मॉम डैड आज एक साल बाद मिले, लेकिन डैड ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, घर आने को भी नहीं कहा। गुड ना, तुम मेरे साथ रह सकते हो। एक बात बताओ निखिल। क्या? मैं तुम्हारे डैड से बहुत डरता हूँ, रियली। जानता हूँ। घर कितना खाली लग रहा है ना। हाँ, लेकिन ठीक है। क्या मतलब? ये तुम दोनों भाई बहन के प्यार के चक्कर में ना, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट। जेलस वैरायटी। एक बात बताओ, तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे बीमारी हुई कैसे? क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ पाऊंगा। निखिल को यह बीमारी कैसे हुई, इसकी कई वजह हो सकती थी, लेकिन मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि सवाल ये नहीं कि उसे एड्स कैसे हुआ, सवाल ये है कि इस बीमारी के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती, माँ हूं, मैं कुछ कर सकती थी। I could have taken a stand. भगवान मुझे पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को अपने बेटे से दूर महसूस किया। निखिल, all you need now is a tattoo और कान में बाली। मैं तुम्हारी तरह फैशन विक्टिम नहीं हूं। ये इधर भी। नाइजल, अरे अंदर आइए। मैं चाय लेके आता हूँ। इधर देखो, अपनी माँ से ऐसे गुस्सा नहीं होते बेटा, सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे बिना सोचे समझे कुछ कह दिया, किसका साथ देती। हाँ, डैड कैसे हैं? तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करते हैं। घर वापस आ जाओ निखिल, प्लीज। मैं यहीं ठीक हूं मां, नाइजल के साथ। साढ़े 11 बज रहे हैं, डिनर तो खा लो। भूख नहीं है। कुछ तो लो। तुम्हारी दवाइयां वहां टेबल पे रखी हैं, भूख लगेगी तो खा लूंगी। तुम सो जाओ जाकर, कुछ और चाहिए? नहीं, गुड नाइट। अनीता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, जैसे मैं ही सबका दुश्मन हूं। मैं भी एक बाप हूं, मैंने भी अपना बेटा खोया है। मुझे याद है बचपन में उसे बुरे सपने आते थे, मैं घंटों उसके पास बैठा करता था,
I wanted to make him strong. सोचा नहीं था कि आखिर में वो मुझसे भी ज्यादा बहादुर निकलेगा। हमने एक छोटा ग्रुप फॉर्म किया, पीपल पॉजिटिव। अब मैं यही काम करता हूँ फुल टाइम। हम लोग पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एड्स और एचआईवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। निखिल ने वापस काम शुरू किया। इसके अलावा कास्टन रबर्ज ने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लिया था कि उनके बच्चों को निखिल से कोई खतरा नहीं होगा। अब कैसे हो? फाइन। सो स्वीट। कितना छोटा सा है ना। तुम इसे उठाओगे? नो, बहुत छोटा है, डर लगता है। इट्स ओके, एक बार ट्राई तो करो। हाय नाइजल। कैन आई होल्ड हिम? या श्योर। तुम खुश हो तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है? सैम कहाँ है? स्कूल में मीटिंग है ना, वहाँ गया है। ओ लो, कम ऑन निखिल, कम ऑन। आशीष के पैदा होने की खुशी सबसे ज्यादा निखिल को थी। निखिल घंटों घंटों आशीष के साथ खेला करता था और आशीष भी अपने मामा के साथ सबसे ज्यादा खुश रहता था। वो काफी आर्टिस्टिक था, ऑफ कोर्स हमने तो कभी माना ही नहीं। उसे स्पोर्ट्समैन जो बनाना था, लेकिन बाद में उसने पेंटिंग शुरू की फिर से। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने बेटे को उसकी सबसे खूबसूरत साइड को पहचान ही नहीं पाए। हाय। हे प्रिंसेस। हाय हैंसम। वाव, सुपर्ब, फैंटास्टिक। क्या है? ये मॉडर्न आर्ट है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। आज याद है क्या है? क्या है? हाथ आगे बढ़ाओ। क्यों? ना। सिर्फ स्माइल करने से काम नहीं चलेगा, मेरा गिफ्ट। तुम अब भी कितनी लालची हो। हा? और तुम अब भी कितने कंजूस हो। ठीक है, इस बार तो जाने देती हूँ, मगर अगली बार यू विल। मेरी राखी? तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। तुम आशीष को साथ नहीं लाई? आज बदमाश सैम के साथ अपने दादा दादी के पास गया है। घर होते तो आज मॉम स्पेशल स्वीट्स बनाती। कल मॉम आई थी, कह रही थी उन्हें आशीष की बहुत याद आती है, कभी कभी घर चली जाया करो। मैं तब वहां जाऊंगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। बाय। मिड 1992 निखिल की हालत बिगड़ने लगी। हाय।
कैसे हो? ग्रेट, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। निखिल, ये मेरा मतलब नहीं था। मुझे पता तुम्हारा क्या मतलब था। आई एम सॉरी, तुम तो हमेशा अंडरस्टैंड करते हो। मैं ही तो हूँ वाज ऑलवेज अनरीजनेबल। निखिल, मैं डॉक्टर से मिल के आया हूँ। हम कल तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ले जाएंगे। यू विल फील मच बेटर, ओके? मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो नाइजल। पता है मुझे कि क्या होने वाला है। हालत तो इतनी अच्छी है कि 3 दिन से म्यूजिक क्लास पे भी नहीं जा सका हूँ। तुम तो आराम से घूम फिर सकते हो, तुम क्या समझोगे? जानते हो मेरा वो मतलब नहीं था। निखिल, तुम्हें इस हालत में देखना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं यू रियली केयर, इसलिए तो तुम सबको छोड़ के जाने से डर लगता है। तुम कहीं नहीं जाओगे। इसका मतलब सारी उम्र तुम्हें झेलना पड़ेगा। आहटें धीमी धीमी तेरी आवाज की, छोटी छोटी सी बातें वो शरारत भरी, उन पलों लम्हों की जादूगरी। हो आज भी है संजोए दिल ने मेरे। ले चले ले चले यादों के ये काफिले, जाएंगे हम जहां ये जमीन आसमां मिले। ले चले ले चले। बेटा, केक खाओगी? बटरस्कॉच बना है, तुम्हारा फेवरेट। माँ बैठो ना। माँ, अरे पहली बार मेरा नाती घर आया है, ऐसे कैसे होगा? कुछ तो खाना होगा ना इसको। और आपका बेटा, योर लिटिल बॉय। एक वक्त था जब यहाँ तुम लोगों की आवाजें गूंजती थी, अब देखो सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। आज गई थी उससे मिलने, कैसा हो गया है वो, कितना वीक, कितना दुबला। माँ, अब ये सब सोचने से क्या, माँ निखिल कब से इंतजार कर रहा है कि आप लोग उसे घर वापस आने को कहेंगे। अपने लिटिल बॉय को घर वापस ले आओ। हे, देखो किस स्माइल कर रहा है। अशू, बिल्कुल निखिल के जैसे लगता है ना। डोंट यू एवर मिस हिम? Thank you.
कौन सा साल था ये? मुझे याद नहीं, शायद 84 या 85। अनु से पूछ लेना प्लीज। ओके। पिछले 2 सालों से आपका इंतजार कर रहा था। I suppose I let you down. You've always made me very proud, son. Dad, बचपन की तरह मुझसे एक बार कह दीजिए कि पूरा सपना है बीत जाएगा। चलो घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही है, हम सब एक साथ न्यू ईयर मनाएंगे। खुश था कि निखिल अपने घर वापस जा रहा था। लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि वो यहां कभी वापस नहीं आ पाएगा। कुछ कहे समझो मेरी सदाएं हैं तेरे साथ में, जो घना हो फिजा में अंधेरा लाएंगे हम सवेरे तेरे लिए। चले ले चले यादों के ये काफ़िले, जाएंगे हम जहाँ ये ज़मीन आसमान मिले। जब कभी ज़िंदगानी तुझको तन्हा लगे, जब कभी अश्क आए दिल तुम्हारा बुझे, जब कभी चैन खोए हो परेशान, देख लो हम वही सामने। ले चले ले चले
तो तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं हूं यहां, जाओ। सो रहा है क्या? आंटी है उसके साथ। कैसा है? अंदर हुआ, वो तुम्हें याद कर रहा था। मैं अंदर नहीं जा सकती। You to be strong, Anu. I can't be strong anymore. नहीं हो सकती मैं और स्ट्रांग। उससे कहना मैं चली गई, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। I don't want to cry in front of him. So, is that was your princess? मुझे अच्छा नहीं लगता। This is not fair. अपने घर में तो ऐसा ही होता है। Please, Nikhil, बस, don't exert. Sam, take care of my princess. I love you. Hmm.
हर रात हम दोनों उसी वक्त का इंतजार करते थे, रात के जाने के बाद सुबह के आने से पहले। वो उस टाइम उस नज़ारे को मिस नहीं करना चाहता था। अब एक अकेलापन सा महसूस करता हूँ। But then I think of him and smile and look forward to another sunrise. निखिल के स्कूल प्रिंसिपल गास्टन रबर्ज ने उसकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे एक प्रेयर मीटिंग रखी है। गोवा में ये बहुत बड़ी बात है। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वापस दुबई बुलाया है। और तुम जा रहे हो? पता नहीं, अभी मन भी नहीं लगता है। बेटा, तुमने निखिल को इतना प्यार दिया और हमने तुमको इतना दूर रखा अपने से, कभी नहीं अपनाया। अब तुम भी जा रहे हो, बेटा आज जब एक साल के बाद तुम्हें मेमोरियल सर्विस में देखा तो निखिल, अंकल प्लीज, निखिल को बहुत दुख पहुंचेगा। आप हमेशा उसके हीरो रहे हैं। लेकिन वो तो जा चुका है ना बेटा। मैं वीक रहूं या स्ट्रांग, रहूं या ना रहूं, वो तो जा चुका है ना हमेशा के लिए। नाइजल दुबई गया मगर एक महीने में वापस आ गया। हम दोनों पीपल पॉजिटिव के लिए काम करते हैं, जिसका काम है निखिल जैसे लोगों की मदद करना। अब डैड नाइजल को अपना बेटा बुलाते हैं। रियली I just wish it had happened a little earlier. So this was the story of my brother Nikhil. Narm boondon ki rinjhin pehli barish ke din dopehar garmi Thank you.
है।